अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे घर में ग्रीन टी अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं। वही ग्रीन टी जो आप बाहर से पठान से या किसी बड़े रेस्टोरेंट से आप पीते हैं, एक्सपेंसिव पीते हैं, और इसका हाइजेनिक होने का कोई हमारे पास सबूत नहीं कि हाइजेनिक है या नहीं। तो नाज़रीन, आज हम आपको स्टार्ट करेंगे अभी ग्रीन टी कैसे बनाते हैं घर में। तकरीबन तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे ये आपको दिखाते हैं। तकरीबन इसमें डालेंगे हम क्वार्टर टेबल स्पून अदरक। क्वार्टर टेबल स्पून अदरक हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अब वेदर चेंज हो चुका है और अदरक मोस्टली हम सर्दी में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम अदरक क्यों इसमें गर्मी के मौसम में भी क्यों यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का और एक चुटकी भर सौंफ है, आधा टीस्पून जो है वो हमारे पास ग्रीन टी है, दो दरमियानी साइज़ की हमारे पास हैं छोटी इलायची। तो स्टार्ट करते हैं, हम ये तीन कप जो है बनाने लगे हैं अब ग्रीन टी। तो हम पानी मैयर कर लेते हैं। ये तीन का पानी हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और शुगर का ये है कि हम कुछ लोग हमारे घरों में जैसे डायबिटिक होते हैं तो हम शुगर पहले ऐड नहीं करते। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको हसबे जायका शुगर ऐड कर सकते हैं। वैसे अभी हम इसमें जैसे तीन कप हमने ग्रीन टी बना रहे हैं तो हमें इसमें 2.5 से 3 जो है चम्मच वो जो है वो चीनी ऐड करेंगे हमारे टेस्ट के मुताबिक। हमने चीनी ऐड कर दी है, थोड़ी देर हम ये इस पानी में जो है पानी को उबालेंगे और चीनी पकेंगे इसमें। नाज़रीन आपको बता रहा था कि मैं ग्रीन टी में ये हम अदरक गर्मी में क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन जैसे आप जानते हैं कि आजकल कोरोना का सीज़न है, हर तरफ हमें खौफ है, हरास है कोरोना से। हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई गले की बीमारी ना हो, गले में कोई खराश ना हो, गला साफ रहे। तो नाज़रीन अदरक जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है इस काम के लिए। एक तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, दूसरा आपके दौराने खून को इम्प्रूव करता है। और जो अदरक के साथ हमने ये इसका दालचीनी का जो पीस रखा है ये आप अभी ऐड नहीं करेंगे, ये अगर कभी आप सर्दी में कभी ग्रीन टी बनाएं तो उसमें ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। बाकी अगर आप अदरक ऐड नहीं भी करना चाहते या दालचीनी नहीं ऐड करना चाहते कि वेदर गर्म है या कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो वो ये दो दोनों चीज़ें ऐड ना करें। वो सिर्फ़ इसमें छोटी इलायची सौंफ और इसमें ये ग्रीन टी डाल सकता है, बाकी दोनों चीज़ें आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, पानी में एक उबाल आ चुका है, अब हम अपनी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। दो दरमियानी साइज़ की इलायची, आधा टीस्पून ग्रीन टी और एक चुटकी सौंफ। अगर ये दो चीज़ें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये जस्ट हमें आपको बताई थी कि सर्दी में अगर आप ग्रीन टी बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करें, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत मुफीद हैं। और इस वक्त हम सिर्फ टेस्ट के लिए एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जी तो नाज़रीन, ये चीज़ें डालने के बाद तकरीबन ये 5 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं पानी में कितना अच्छा सा एक कलर आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे, कप्स में डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस ग्रीन टी का पकते हुए अराउंड जो है वो 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको कप्स में डालेंगे। बहुत खूबसूरत कलर है, आप ये देखिए कप में हम डाल रहे हैं और बहुत शानदार कलर, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है।
ये तो नाज़रीन हमारी ग्रीन टी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, अब इसको सर्व करने लगे हैं। और देखिए नाज़रीन, अगर आपको पसंद आए हमारा चैनल, हमारी वीडियोस पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।